दूर की रोशनी काम करते हैं। हाँ माशाल्लाह जी, मैंने दूर से देख लिया ऐसे। इधर लाल शाल तो वाले कलर दिखाओ। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये उस्ताद हमारे प्यारे भाई खलीफा नवीद के हिनो कबूतर है। हिनो कबूतर देखें, हिनो तो गाड़ी का नाम है ना। हाँ जी ऐसा ही है। लेकिन ये हिनो क्यों नाम रखा खलीफा जी? वो कह रहे हिनो तो गाड़ी का नाम था। मेरे बहुत अच्छे हरीफ ने ताहर शरीफ साहब उन्होंने रखा। ये बहुत अच्छे हरीफ ताहर शरीफ साहब। लेकिन ये हमके घर से नहीं मिल आया। ये आपके हिनो है? हाँ नहीं, ये मैं मियां नजीब से लेके आया। अच्छा मियां नजीब। हाँ इनका दादा भी मैं, इसका माँ बाप मेरे दूसरी तरफ पड़ा है। अच्छा। और ये मैंने मेहर साहब से लिए थे। ये हाँ मैं असगर साहब लाहौर से, जो मज वाले कह लो या जो भी कह लो, ये मेरे पास 30 कबूतर मैं उनसे लेके आया। अच्छा ये 30 कबूतर लेना पड़ा। वाह, तो इनका क्या अभी तक आपने रिजल्ट दिया है? इनका अच्छा रिजल्ट है। जो मैं इंद्रमा भाई मेरे पास सब कबूतर रह रहे हैं ना, जैसे पहले भी मैं दे रहा हूँ दोस्तों, तो अच्छा रिजल्ट है अपनी तरफ से। तो मैंने पूरी जिंदगी इनसे निकल डिलीट कर दिया। मैं अभी जी दोस्तों हमने 10 लगाया, खलीफा नवीद साहब हमें नहीं मिल रहे थे, आखिरकार हमें मिल ही गए। तो अब उनके जो ख़जाना उसने छुपा रखा है ना अपने घर में, उनमें छापा डाला है और उनके कबूतरों का वहाँ शौक कर रहे हैं। पुरानी नस्ल कबूतर सारी ज़िंदगी लगा दी खलीफा साहब ने जमा करते करते। तो डायरेक्ट इनके तल्लुकात थे मियाँ साहब से भी, तो उनसे खुद कबूतर लाते थे। ऐसे ये इसकी तार देख लो, ये मियाँ नजीर साहब के हाथ से आया है। अच्छा ये उनके याद का कबूतर। वाह इनको क्या बोलते हैं आप? ये ना इसमें कह ले मामदीन डाकू वगैरह सब कबूतर जो है ना इनमें ही है। ये मियाँ साहब से डायरेक्ट आया हुआ है। ये 6-7 भाई मेरे पास थे। अच्छा ये पुराने कबूतर। इसका माँ बाप मियाँ साहब से आया। ये कांटे आना एक मिनट ले ले ले, इसको बात करवाएं। हेलो ये पकड़े तो ये करता रहेगा नहीं तो। क्या कमाल है। अच्छा इनके भी बच्चे आपने उड़ाए हैं? हाँ ये टेस्टेड है सब कबूतर ना। अच्छा हाँ जी। ये भी इन्हीं में कबूतरों में से? ये वो हिनो में से। ये हिनो में से। ये जी ये हिनो कबूतर है, उनमें से ये है बने हुए हैं। ये समझे कि जितना गर्मी का टेम्परेचर होता है उसमें ये ज़्यादा होते हैं। खलीफा नवी साहब का कहना है कि जहाँ आग बरसे वहाँ ये कबूतर बरसते हैं। तो अरसा लगाया है जी इन्होंने शौक में इसी हवाले से जो है, और कामयाबियाँ भी ली हैं। खलीफा का नाम था बहुत बड़ा शौक में। ये देखे इनके कबूतर। बाहर निकाल दो खुद बना खलीफा जी अपने।
ब्रीडर कबूतरों को जो है जी वो जी। क्या खिलाते हैं आप? ये मैं सिंपल दाना सिंपल दाना हाँ, जो बाजार से दालें भी डाली हुई है वगैरह। अच्छा, स्पेशल जरा डाल देते ब्रीडिंग के अच्छी ब्रीडिंग कराने के लिए अच्छा दाना लाजमी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर बच्चे ज्यादा फुलवाने हैं तो अगर 20 जोड़े खुडे में रहते हैं दड़बे में रहते हैं तो आपने 10 जोड़े लगाए उसमें। अच्छा, बच्चे ऑटोमेटिक दाना जैसा भी निकले अच्छे पले। अच्छा, ये अपना दाने बच्चों को निकलते हैं, फुलसियाँ निकलती हैं, तो उसके लिए क्या कुछ है आपके पास फार्मूला जिसे? हाँ हाँ, मैं तो वैसे इनको ना काली जीरी देता हूँ। अच्छा, पानी में ना काली जीरी, वो खुद ब खुद ना 10-15 दिन में जाती है, खत्म हो जाती है काली जीरी। हाँ हाँ, आप 3-4 दिन मसलसल मकदार में दें, उसको छेड़े ना, वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ये जी जोड़ों की कबूतर खलीफा के आप देख सकते हैं, बेहतरीन कबूतर इन्होंने रखे हुए हैं, शानदार। और वो कबूतर इनके पास हैं जो लोग तरसते हैं, और खलीफा जी का ये सेटअप माशाल्लाह आप देख रहे हैं। जबरदस्त कबूतर हैं जी, क्या बात है, ये देखिए आप। कबूतरों का जो मोटाई बनी हुई है, खलीफा की ये मेहनत है, ये आज की नहीं है जी, खलीफा नवीद ने बड़े मेहनत से ये कबूतर बनाए हैं। और इनका पार्टी बहुत बड़े शागिर्द हैं, बाजियाँ भी बहुत मोटी मोटी लगाते हैं, ज़ाहिर है कबूतर भी उस हवाले से इनके पास मौजूद है माशाल्लाह। अच्छे कबूतर रखना और अच्छी कबूतरों की परवरिश करना ही खिलाड़ी का काम है, बेहतरीन शो करवाना और बेहतरीन कबूतर रखना हर किसी की हॉबी है। तो खलीफ नवीद के देखकर कबूतर सब बोलते होंगे कि हमने भी ऐसे कबूतर रखने, सबके पास अच्छे कबूतर है इसमें कोई शक नहीं, मगर किसके पास ज़्यादा मकदार में अच्छे कबूतर होते हैं वो उनकी मेहनत होती है। दिखाएँगे दूसरी उसमें, ये गोल्डन कबूतर है मगर गहरे गोल्डन नहीं है, हल्के गोल्डन है, वो जो चांदी वाले गोल्डन जिसको बोलते हैं वो चांदी वाले गोल्डन है। ये आप देख सकते हैं सारे हल्के गोल्डन है, गहरे गोल्डन नहीं है। माशाल्लाह, ये देखो उस्ताद इकबाल बलोच साहब, बड़ी मेहरबानी, वालेकुम सलाम। इकबाल भाई कराची से हमें देख रहे हैं, बहुत नफीस इंसान है माशाल्लाह। ये देखें जी खलीफा जी के कबूतर, क्या बात है जबरदस्त कबूतर है। खलीफा की तकरीबन दुबई, बहरीन,
की साइड भी अपनी छतें हैं, वहाँ पर भी ये कबूतर जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारी परवाज कबूतर करते हैं वहाँ पर। जी माशाल्लाह खलीफा जी, आपकी मेहनत हमने देखी, अरसा इतराज से आपने यही कबूतर रखे हुए हैं और इन्हीं से आपकी जो है वो दफ की इज्जत भी बनी है। तो आपका सेटअप बाहर मुल्क भी है कोई? जी शारजा में। अच्छा, शारजा में है। बिलाल सलीम साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उधर मेरा शरीफ भी है और माशाल्लाह उधर तो बहुत खूब कबूतर है शारजा में। अच्छा, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा चलो, वो लाल आंख के वहाँ भी हैं, हर जगह पर अपने कबूतर रखे हुए हैं। तो बड़ा अरसा आप गायब रहे शौक से, कुछ मसरूफियात कुछ ऐसी आ गई, तो क्या आप मुतवक्कर करते हैं 2024 के लिए? 23 तो अभी आ गया है आप अब अभी तक। अगर जिंदगी ने वफा की तंदुरुस्ती रही तो इंशाल्लाह ताला अच्छा निकलेंगे बाहर लाहौर में, ना लाहौर में पंजाब में अच्छा मुकाबला, अच्छे मुकाबले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे दोस्त हैं सब, जो हरीफ हैं वो सब अच्छे हैं और उनसे जो लाजम है करेंगे मुकाबला। आपसे प्यार क्यों इतना ज़्यादा लोग करते हैं? अच्छा जी, दोस्तों की मेहरबानी है जी, बहुत उनकी मेहरबानी है। दिल करता है कि आपसे मिलें, क्योंकि दिल के सुकून वाले आदमी हैं। देखे मैं तो खुश हूँ कि आप मेरे पास आए, यकीन करो मुझे बहुत खुशी है। ऐसी बात आप मेरे पास आए? नहीं सही, हम आपके भाई हैं। जब शक्कर का मैं सुनता हूँ ना खबरों में, कहीं भी आता है तो मुझे आप याद आ जाते। दोस्ती दोस्त का सरमाया है, हाँ जी, क्यों नहीं याद आएंगे। और आपके कानून अक्सर मैं कहीं बैठा होता डिस्कस करते हैं शागिर्द के, मैं अक्सर जिक्र करता जी ऐसे ही। मैंने अपने लाइव में भी किया था, हाँ, कि शक्कर के कानून मैंने उस्ताद शागिर्दी में देखे कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, पूरे पाकिस्तान में मेरा हाल आपका कानून सख्त है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। इतराब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो जिक्र छेड़ दिया ना, बड़ा बरमाला जिक्र है कि जो उस्तादी शगिर्दी का आप लोगों का क्राइटेरिया है, और जिस तरह आप एक बाकायदा निज़ाम के तहत उस्तादी देते हैं और उससे जो भी बंदा उस्ताद बनता है उसकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बन चुकी हुई होती है, ठीक है। और पंजाब में इस सिलसिले में ये निज़ाम बड़ा कमज़ोर है, और यानी अब असातिज़ा की जो तादाद है वो इतनी हो गई है कि शागिर्द ढूंढे से नहीं मिलते, ऐसे ही है, ठीक है। और कोई क्राइटेरिया नहीं कि कोई छत है नहीं है, उड़ाने वाला है नहीं है, बैकग्राउंड का कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं है। और घर में भी कबूतर है कि नहीं है, कोई बस दोस्ती यारी पे उस्तादी बनाई जाती है। हाँ, बस जिसको मर्जी आप बना दे, ऐसे ही है, जिसको मर्जी आप बना दे, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा जी। अब क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं, किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं, निज़ाम की बेहतरी के लिए, उसकी इसलाह के लिए। और इसलाह पहले अपने आप से शुरू होती है, घर से शुरू होती है। मकसद ये है कि मेरा फर्ज ये बनता है कि आवाज़ बुलंद कीजिए, ऐसे ही है, एक अच्छी आवाज़ बुलंद कीजिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका प्रचार होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे पूछूँ अपने 2-3 यानी जुमलों में अपने उस्तादी निज़ाम को वाजिया करें तो कैसे करेंगे आप? जी मैं एक बात बताता चलूं आपको, अपना ना उस्तादी वाला सूर भी पता है। मैं आपको बताऊं कि खलीफा जी, बात यह है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो उस्तादी शागिर्दी का, पहले तो वो एक सिस्टम हमारे उस्तादों ने जो बनाया कि कवानीन में उस्ताद बनाने का तरीका, उस्ताद बनाने के तरीके में सबसे पहले ये आता है कि आया इसने उस्ताद कितने बदले और एक उस्ताद के पास कितना अरसा रहा, और सिर्फ उड़ाने से उस्तादी नहीं दी जाती, अच्छा, उसका आदाब, उसका जो रवैया है खिलाड़ियों के साथ, यूनियन के साथ, शहर के उस्तादों के साथ कैसा रहा,
तो ये अगर इसके पास जिम्मेदारी उस्तादी की आएगी तो क्या वो निभा सकेगा, शहर का नाम रोशन कर सकेगा, अपनी पार्टी मतलब वो यूनियन का नाम रोशन कर सकेगा? तो इसी हवाले से हमने उस्तादी सिस्टम बनाया हुआ है। उसके बाद जितने उस्ताद वहाँ मौजूद होते हैं यूनियन में, फर्ज करें 30 उस्ताद हमारे यूनियन में मौजूद हैं, टू थर्ड मेजॉरिटी होगी उसके पास तो वो उस्ताद बनेगा। अच्छा, ऐसे नहीं, मैं अकेला नहीं बना सकता, क्या बात, 5 नहीं बना सकते। अच्छा। 10 उस्ताद भी उस्ताद नहीं बना सकते, 2/3 मेजॉरिटी में कम अज कम 23 उस्ताद उसके पास हो। अच्छा, कितने? 23। 30 में से 23 उसके हामी हो तो वो उस्ताद बनता है। क्या बात, ये है उस्ताद। नहीं तो उस्ताद, हाँ जी, उसके पास छत होना भी जरूरी है? छत होना लाजमी नहीं है हमारे पास, छत वो क्या पता अपनी जवानी में उड़ा के आया हो, लेकिन उड़ाए हो, उड़ाए हो। अच्छा, कारागर उस टाइम जब वो उस्ताद बन रहा है, हमारे पास उस्ताद बनता है कम से कम कोई 25-30-40 साल के बाद। ओहो, अब भाई वही मैं जा रहा था ना, आप सुनिए, आपने तो मिक्स कर दिया। यानी एक शख्स शागिर्द हुआ, ठीक है, हाँ, उसके बाद उसने उस्ताद की निगरानी में वो चला, उसने 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल शौक किया, शौक करके दिखाया, ठीक है, फिर उसने उस्ताद से अपने रिक्वेस्ट की, यदि मेरे पे भी कोई शफकत का हाथ है पढ़ाया जाए। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, उसका उस्ताद दरखास्त देगा यूनियन को, वही, हाँ, यूनियन को, मेरा शागिर्द जो है ना इस लायक है कि इसको उस्ताद बनाया जाए, वो जूरी के सामने रखा जाएगा। क्या बात, क्या बात कर रहा हूँ ना, मैं भी जबरदस्त कि जी उसने 10 साल शॉप करके दिखाया, जी हाँ, उसने अपने उस्ताद से रिक्वेस्ट की, उस्ताद ने वो मामला रखा आगे जाके यूनियन के, जी ये मेरा शागिर्द 10 साल से शॉप कर रहा है, जी हाँ, बेहतरीन शॉप कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको अब प्रमोट करके उत्पाद बनाया जाए। ऐसा ही है, ये नहीं है कि आज ही शागिर्द हुए, आज ही उस्तादी मिल गई और आज ही सारा निजाम मुकम्मल हो गया। और ये तो उस्तादी है ना, अगर शागिर्द भी बनाओगे ना तो यूनियन से पूछ के बनाएंगे, उस्ताद अकेला शागिर्द भी नहीं बना सकता। अच्छा, अकेले घर में नहीं बना सकता। क्या बात है, ये वीडियो बना के उस शागिर्द कर दिए 10, ऐसे भी नहीं है, यूनियन को इलायची से बांटा जाएगा, इलायची दे के बुलाया जाएगा। अच्छा, जी हाँ, यूनियन के उस्तादों के सामने शागिर्द अगर किसी ने एतराज कर दिया कि इसने अच्छी कारकर्दगी का ये नहीं है कि हमारी यूनियन को खराबी पैदा होगी, क्या बात, तो वो शागिर्द एक नहीं, यूनियन तो हमारे पास 2-3 ही है। हाँ, हाँ। मकसद क्या है, जो हमारे बड़ों की यूनियन है वो उस्ताद रहीम बख्श वाली, वो हमारी वाली है, बड़ी जो वो वही है, मेहरान कबूतर परवाज वेलफेयर एसोसिएशन, उस्ताद रहीम बख्श वाली, उनके बनाए हुए कानून है। क्या बात, नहीं बहुत जबरदस्त। तो उस्तादी, शागिर्दी या खिलाफत, ये तीनों चीजें अहम जुज हैं, हाँ जी, शौक के, अगर उसको हमने हिफाजत नहीं देनी तो ये खराबी की तरफ जाता है, तो हमने खराबी होने नहीं देनी। मैंने बबांगे दुल गुजरात फंक्शन में बोला था कि देखे आप उस्ताद जितने बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, कोई हमें टेंशन नहीं, मगर हम तस्लीम नहीं करते। ऐसे ही हम तस्लीम, हमारे पास अगर वो शिफ्ट होकर आ गया सिंध में, उसको हमारे पास शौक करने के लिए दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी, वो तो बड़ी जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ जी, हाँ, अगर तस्दीक नामा वहाँ की यूनियन देगी, अच्छा, लाहौर की यूनियन फर्ज करो या गुजरात की यूनियन, जी जी, या उनका जो बड़ा है कि वो तस्दीक करेगी जी ना ये परफेक्ट उस्ताद है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे नहीं बंद कमरे में हो गया। इधर तो हमारे उस्ताद ज्यादा हो गए हैं। नहीं नहीं, वो तो राव साहब वाली बात, शिगिर्द मिलता ही नहीं कहीं जी, ये तो बड़ी लंबी बहस हो गई, तो अभी नमाज का भी टाइम होगा तो हम निकलेंगे यहाँ से, अपने प्यारे भाई के साथ इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।